हालेलुया। इस ब्रदर का नाम दलजीत सिंह है और जे हरियाणा के रहने वाले हैं, और जे ब्रदर की गवाही जे है, जे बताते हैं कि जे 12 साल से प्रभु के ऊपर बिलीव करते थे और जे 3 चर्च भी चेंज कर चुके थे, और जे बता रहे हैं कि 12 साल से जैसे जे प्रभु के ऊपर बिलीव करते थे और इनकी प्रॉब्लम जे थी कि इनकी पूरी बॉडी में दर्द रहती थी, और जिसका कारण जे था कि इनकी जो बैक पेन रीढ़ की हड्डी है उसके लेफ्ट साइड मणकों में गैप था, और डिस्क में प्रॉब्लम आने के कारण इनकी जो मेन प्लेट है उसमें भी प्रॉब्लम थी। जे बता रहे कि जो मेन प्लेट थी वो अपनी जगह से हिल चुकी थी, जिसके कारण जे बहुत ऐसे दर्द में रहते थे। डॉक्टर ने इनको बोला था कि आपका ऑपरेट होगा, पर जे ब्रदर बहुत सारी ऐसे मेडिसिन खा चुके थे। जे प्रॉब्लम 7 साल से थी और जे 7 साल से मेडिसिन खा रहे थे, जे बहुत जगह जगह से मेडिसिन ले चुके थे, पर जे ब्रदर बताते कि इन्होंने प्रेयर तो नहीं करवाया और जे प्रभु के ऊपर भी बिलीव कर रहे थे पर जे इस दर्द से फ्री नहीं थे हो रहे। और जे बता रहे कि जैसे ही जे ब्रदर 4 महीने से यहोशुआ रंजीत रॉबिन मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे इस ब्रदर ने प्रेयर टावर में कॉल की और अपनी प्रॉब्लम को बताया और इनको उत्साहित किया गया और पॉजिटिव नेगेटिव प्रेयर के बारे में बताया गया, और जो विश्वास करते रहे ऑनलाइन मीटिंग को देखते थे, और जैसे जो ब्रदर इस थर्सडे की मीटिंग में आए और जो बता रहे कि इतनी मेडिसिन खा चुके थे कि जो 15 लाख रुपया ला चुके थे, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम थी इनको, जो अपना कामकाज भी नहीं थे कर सकते इस प्रॉब्लम के कारण, जे सही तरह से लेट नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे और जे बहुत परेशान थे। और जैसे जे ब्रदर थर्सडे की इस मीटिंग में आए और प्रभु के दास के द्वारा इनके लिए ले एंड प्रार्थना हुई, सबसे पहले हम उस क्लिप को देखते हैं। आपको विश्वास नहीं है? विश्वास है कि मैं फ्री हूं? हाँ जी। आंखें बंद करो, अपनी घूम जाओ पीछे। सब अपनी आंखें बंद करो, इस भाई के लिए विश्वास करो, क्योंकि ये दूर से अगर आया खुदावंद की हजूरी में, परमेश्वर जानता और खुदावंद इसे सेम नहीं भेजेगा। यस खुदावंद, में तेरा धास होने के नाते मैं इस अंधकार की टेबल की जितनी भी चकड़न है जो खुदावंद शैतान ने इसकी टिक्स को खराब किया है, मैं तेरे पवित्र नाम से खुदावंद इसकी टिक्स को छूता हूं, मैं इसकी टिक्स को छूता हूं प्रभु यीशु तेरे पवित्र नाम से। हर अंधकार की जो टेबल की जो चकड़न है इसके जीवन में, मैं आज्ञा करता हूं, चल शैतान छोड़ इसकी डिस्क, शट, चल छोड़ उसकी डिस्क को, छोड़ उसकी रीढ़ की हड्डी, शट, निकल, चल शैतान छोड़ उसकी डिस्क को, चल छोड़, शट, यीशु के नाम से मैं आज्ञा करता हूं, निकल जाए इसकी बॉडी से पूरी तरह से, आउट, फ्री, फ्री द नेम ऑफ जीसस बी हे, फ्री, 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 यस मेरे परमेश्वर, मैं शांस करता हूं कि खुदाबंद आज तू इसे छू चुका, यस खुदाबंद, मैं सिर से लेकर पांव तक तेरी हीलिंग को इसकी बॉडी में एंटर करता हूं, इसकी बॉडी में बल आ जाए, खुदाबंद तेरे नाम से इसकी बॉडी काम करना शुरू करे अभी, इसकी पौरी पूरी बॉडी यीशु मसीह, इसकी बॉडी में जितनी भी वीकनेस या कमजोरी है इसकी बॉडी में बल आ जाए, तेरे पवित्र नाम से प्रभु इसकी बॉडी में बल आ जाए, बल आ जाए, इसी समय खुदाबंद इसकी बॉडी पूरी तरह से काम करने लगे, पूरी तरह से इसकी बॉडी काम करने लगे यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम से, यस यस खुदाबंद, विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो, बड़ा विश्वास करो, आपकी हर एक कमजोरी छा रही है, खुदा का बल आपकी बॉडी में आ रहा है, यस रूशाखा बाबा, रूशाखा बाबा, रेजा क्रियो नराला खूरी सखरा लबा बाबा, रेजा ररीरी शखा लबा बाबा बाबा, रेजन रखूरी सखा बाबा बाबा बाबा,
मैं हर एक बंधन को यीशु तेरे नाम से तोड़ देता हूं, मैं हर डेविल के बंधन को तोड़ता हूं यीशु तेरे सामर्थ्य नाम से, इसकी बॉडी से मैं से आजाद घोषित करता हूं खुदावर, मैं से आजाद घोषित करता हूं खुदावर, तेरे नाम से इसकी बॉडी में फल आ जाए। यस खुदावर, ये चल नहीं पाए, दौड़ नहीं पाए, उठ नहीं पाए, बैठ नहीं पाए मेरे प्रभु, यस यस खुदावर, आप इसे छू चुके, आप छू चुके यीशु के नाम से, आमीन, बोलो आमीन, बोलो आमीन, आमीन। विश्वास करते हैं, चलो सर, बहुत ज्यादा सिर भरा हुआ है, हाँ जी, चला के चल शैतान, छोड़ इसके सिर को, निकल, छोड़, चल पूरी तरह से, चल आज छोड़, शट आउट, निकल पूरी तरह से, निकल इसके सिर से भी, जो तूने इसके सिर को शैतान छकड़ा है, चल तेरी इस छकड़न को मैं तोड़ता हूं यीशु के नाम से, शट आउट, फ्री, इन द नेम ऑफ जीसस बी हील्ड, फ्री, फ्री, फ्री। धन्यवाद परमेश्वर, मैं से पूरी तरह से आजाद घोषित करता हूं खुदावर, मैं से आजाद घोषित करता हूं खुदावर, इसकी हड्डियों में बल आए, इसकी बॉडी में बल आए यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम से, यस खुदावर, इसकी बॉडी में, इसके घुटनों में, इसके टांगों में, इसकी बॉडी में बल आए पूरी तरह, यस खुदावर, तुझे छू चुका है, तुझे छू चुका है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। उठो, उठो और चलो, कई बार बस पूरी बॉडी को परमेश्वर आपको छू चुका है, चलो 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 चलो, थोड़ो दौड़ो यीशु मसीह के नाम से, थोड़ो थोड़ो दौड़ो 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 दौड़ो, धन्यवाद करो, तारीफ करो, तारीफ करो, जिस बंदे की डिक सहेली है वो कभी दौड़ नहीं सकता, बोलो क्या है, मैं क्या कहता हूं, रुको, जिस बंदे की डिक्स हिली है दो जगह से, आप बताओ मुझे, वो दौड़ सकता है जिसकी डिक्स हिली हुई है, दौड़ सकता है, दौड़ सकता है कभी वो, कौन कर सकता है, कौन कर सकता है ये काम, उस डॉक्टर जीसस के लिए जोर से तारीफ करो, जोर से, और आप आजाद हो, ठीक है, परमेश्वर आपको छू चुके हैं, धन्यवाद करो, और बस आज से आप बढ़ते जाना यीशु मसीह के, ठीक है, आप फ्री हो, आप फ्री हो पूरी तरह, आपको आना, और जे परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते कि जैसे इनके लिए प्रभु के दास के द्वारा ले एंड प्राप्त हुई, और जो 7 साल से इनके डिक्स में प्रॉब्लम थी, और आज ये ब्रदर पूरी तरह से इस प्रॉब्लम से फ्री हो चुके, हम सब तारीफ करेंगे कलीसिया, थम जाते ने तूफान जदो यीशु बोलदा, और सेकंड गवाही इस ब्रदर की जे कि 4 साल के इनके पाँव के जो तलिया हैं उनमें दर्द रहती थी, जे ब्रदर ज़्यादा समा ऐसे चल नहीं सकते थे, और जे बताते कि जैसे जो सुबह के समय उठते थे और इनके पाँव के तलियों में बहुत दर्द होती थी, और जिसके कारण कि लेफ्ट साइड के जो लेग्स हैं उसमें भी ऐसे उनके सुन्न हो जाती थी, उसमें भी दर्द रहती थी, और जे ब्रदर बताते कि जैसे जे इसके भी बहुत सारी मेडिसिन ले चुके थे और इस दर्द से भी जे फ्री नहीं थे हो पा रहे, और जैसे ही थर्सडे की मीटिंग को जो ब्रदर ने ऐसे मीटिंग को अटेंड किया और प्रभु के दास दुखियों बीमारियों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, और जैसे उनके मुख से प्रार्थना हुई कि जिनके पाँव में ऐसे प्रॉब्लम है वो आज फ्री होने वाले, और जैसे इस ब्रदर ने रिसीव किया, सबसे पहले हम उस क्लिप को भी देखते हैं। आपके पैरों की बीमारी से ही लेते हुए देखा, आपके पैरों की बीमारी को से मैंने आपको ही लेते हुए देखा, आपके जो पैरों के नीचे की जो प्रॉब्लम है मैंने हीलिंग को
आपके जीवन में एंटर दे दे अपने आपके पैरों में जो प्रॉब्लम है, मैं नहीं जानता वो क्या है, पर आपके पैरों में जो प्रॉब्लम है, मैंने आपके पैरों के नीचे की प्रॉब्लम को देखा है और खुदाबंद आपको छू चुका है। मैंने कहा मैंने अपने पैरों के नीचे की एक बीमारी को देखा है और परमेश्वर का आत्मा आपको छू चुका है। मैंने कहा परमेश्वर का आत्मा आपको छू चुका है। मैंने आपकी ये इस ब्रदर ने उस हीलिंग को रिसीव किया और जब बता रहे कि अभी चार दिन हो चुके हैं, जैसे जो सुबह उठते हैं वो दर्द नहीं होती और जो ज्यादा समय से चल भी नहीं सकते थे, लेट नहीं सकते थे, क्योंकि जैसे जो लेटते थे और उसके बाद इनके पाँव में दर्द स्टार्ट हो जाती थी। और अभी जो बता रहे कि उस दर्द से भी परमेश्वर ने इनको टोटली फ्री कर दिया, इस गवाही के लिए परमेश्वर का बहुत सारा थैंक्स करते कि परमेश्वर ने इनको पूरी तरह इनकी बॉडी में जो दर्द थी, डिस्क की प्रॉब्लम थी, उसे पूरी तरह इन्हें फ्री कर दिया। हम सब तारीफ करेंगे कलीसिया इस गवाही के लिए। और सुनो सुनो सुनो, कितना खुश हो आज आप, कितना खुश हो आज, हाँ बहुत खुश है। सामने देखो, सामने देखो, जो बंदा ये प्रॉब्लम आपको 12 साल से शुरू हुई थी कि 12 से भी पहले, माइक माइक पास है, 7 साल से आपको प्रभु में आए हुए कितना टाइम हो गया, 12 साल, और 7 साल से ये प्रॉब्लम शुरू थी जिसके लिए आपने बहुत सारी मेडिसिन खाई, बहुत ज्यादा, कितनी मेडिसिन खा ली, 15 लाख, 15 लाख की मेडिसिन खाने से भी कोई हल नहीं हुआ। आपकी डिक्स क्या जो आपकी डिक्स है वो दो जगह से क्या होगी, दो जगह तो खराब हो गई जी, एक तो 4 नंबर ते 5 नंबर दा मनका लेफ्ट साइड दा, एदे 4 नंबर और 5 नंबर का जो मनका है ओदे च गैप आ गया सी, गैप आ गया, और जिसके कारण आपको उठने बैठने की दिक्कत थी। हां जी, एक अब मेन प्लेट नीचे वाली डिस्क वाली जो मेन प्लेट है वो अपनी जगह तो हिल चुकी थी, अपनी जगह से हिल चुकी थी, हां जी, जिसके कारण आप काफी तकलीफ में थे, दर्द में थे, हां जी, 7 साल से, हां जी, जिसकी आपने 15 लाख की मेडिसिन खा ली, हाँ जी, और फिर भी अच्छे नहीं हुए, नहीं हुए, और फिर लास्ट में आपने प्रभु का नाम सुना, हाँ जी, और अगले अलग अलग जगह पे भी आप गए, हाँ जी, दो तीन चर्च में भी आप गए, हाँ जी, हाँ? हाँ जी, तो दो तीन चर्च में गए और वहां से भी जाकर आपका हल नहीं हुआ, नहीं हुआ, क्यों, आपको कुछ सिखाया नहीं, समझाया नहीं उन्होंने, कुछ भी ना, कुछ नहीं बताया, बुधवार के, और इन्होंने वीरवार की मीटिंग भी अटेंड किया और ये कहते हैं अभी मैं आया हूं तो मैं कुछ दिन रुकूंगा और परमेश्वर की बातों को सीखूंगा, उसके राज्य की और उसकी सच्चाई को, समझ आ रही है ना, क्योंकि जिसका मन है, इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो भूखा है वो तृप्त किया जाएगा, क्या है, और ये विश्वास से आए और ये बुधवार के रुके यहां पे, और उस दिन इन्होंने बताया कि जो हमारे उधर पास्टर जी हैं वो, मैंने कहा आपने कुछ नहीं बताया, वो कहते कुछ नहीं, बस वो एक ही बात कहते हैं कि आप बोलो, कैसे क्या बोलो, मैं चंगा, परमेश्वर मुझे चंगा कर दे, परमेश्वर मुझे चंगा कर दे, बस इतना ही बोल, मैंने कहा और कुछ नहीं बताया, बोले कुछ नहीं, बस वो इतने कैसे, बस एक ही बात आप बोलो, परमेश्वर मुझे चंगा कर दे, मुझे चंगा कर दे, मैंने कहा कुछ नहीं बताया, कहते कुछ नहीं, और फिर उन्होंने 4 महीने से हमारी इस मिनिस्ट्री को देखना शुरू किया, हाँ और आपको पता चला फिर सत्य क्या है, सच्चाई क्या है, हाँ जी, किस रीति से प्रार्थना करनी है, हाँ जी, क्योंकि वो तो सब कुछ कर चुका है, हाँ जी, हाँ? हाँ जी, और आप 12 साल से और 7 साल से ये प्रॉब्लम, हाँ? हाँ जी, और ये कह रहे थे कि प्रभु मुझे चंगा कर, चंगा कर, हाँ? हाँ जी, और आपको पता चला कि वो तो सब कुछ कर चुका है, कर चुका है, आपने फिर इस मिनिस्ट्री में कॉल की, हाँ जी, फिर आपको समझाया गया, बताया और आप विश्वास में बने रहे, हाँ जी, हाँ जी, फिर भी आपकी वो प्रॉब्लम गई नहीं, नहीं, हाँ जी, नहीं गई, देखो 4 महीने से मिनिस्ट्री से
जुड़े सुन तो रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव शिक्षा को, पर फिर भी इनकी प्रॉब्लम नहीं गई। पर लास्ट कार इन्हें बताया था हमने पहले भी आप आ जाओ अगर नहीं प्रॉब्लम जा रही, पर अब ये विश्वास के साथ आए। क्या आए? यहां पे विश्वास के साथ आए। और आज परमेश्वर ने पूरी तरह से क्या बोला था डॉक्टर ने, ये ऑपरेशन होगा इस चीज का, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ऑपरेशन के लिए कितने पैसे उन्होंने कहे थे? वो तो फिर उन्होंने कहा मैं करोना ही नहीं जी ऑपरेशन। अच्छा, आपने ऐसे काम है कहने मैंने कराना नहीं। हाँ, मैं और डॉक्टर बोल रहे थे ऑपरेशन से होगा। हाँ जी, वैसे नहीं हो लगा। हाँ जी, मैं कहा मैं मिनिस्ट्री जी आना उठे। अच्छा जी, ओके। और फिर आपके ये पाँव के नीचे, हाँ जी, 4 साल से ये तलियों में दर्द रहती थी? बिल्कुल भी चलिया नहीं जाता, 10 कदम भी है, मतलब माइक पास रखो। जो लेटता सी बैड से लेटे हुए तो भी दर्द रहनिया सी, भार तो आना ही मुश्किल है, मतलब तुम आप ही देख लो किवें आऊगा, जो खाली पैरों से ही दर्द रहा। अच्छा, इस तरह लगता है जिवें बजरी खुबी होंगी है पैरों के। अच्छा, ऐसे लगता था जैसे बजरी खुबी हुई है। हाँ जी, हाँ जी। और उस दिन जब आपने फिरवार की मीटिंग में पाँव की हीलिंग को भी रिसीव किया, हाँ जी, और तुरंत आपने अपने वीडियो में देखा ना, ये चल रहे थे। हाँ जी, इन्होंने एक्शन किया ना। ऐसे नहीं, कुछ लोग क्या होते हैं कि जब परमेश्वर अगर उनके लिए बो रहा तो वो बैठे रहते हैं, वो एक्शन नहीं करते। क्या नहीं करते? वो एक्शन नहीं। इन्होंने एक्शन किया, तुरंत एक्शन किया और उठकर ये चलना शुरू हो गए। और देखा अपने में कैसे ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं। और उसी दिन उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और जो 4 साल से इनकी तलियों में जो दर्द थी, क्या थी? 4 साल से, और आज उससे भी क्या है? बिल्कुल फ्री है, पूरी तरह से बिल्कुल फ्री, फ्री हो। हाँ। उठो, बैठो, उठ को बैठ के दिखाओ, पकड़ो। हालेलुया, हम जानते ने तूफान जदों यीशु बोलदा। सुनो सुनो, अभी जिसके डिक्स की 2 जगह से हिल गई, 4 नंबर और 5 नंबर के ऐसे बता रहे मन के में खैप आ गया। आप सोचो कभी वो बंदा ऐसे उठ बैठ सकता है? हो सकता कभी ऐसे हो सकता है? अब थोड़ा सा दिखाओ, लोग ना विश्वास नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं हम झूठी गवाहियां देते हैं। लो, तारीफ करो, जोर से तारीफ करो, जोर से, जोर से। हम जाते ने तूफान जदो यीशु बोलदा, नस जाता है शैतान जदो यीशु बोलदा। तारीफ करो जोर से, जोर से, ये तारीफ खड़े होकर करनी चाहिए। शैतान जदो यीशु बोलदा, जाते ने तूफान जदो यीशु बोलदा। इसकी गवाही के लिए और अपनी गवाही के लिए जोर से, जोर से। जाते ने तूफान जदो यीशु बोलदा, जोर से, जोर से। जदो यीशु बोलदा, बोलदा बोलदा मेरा यीशु बोलदा, बोलदा 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 बोलदा। आमेन। जितने भी लोग जिसकी प्रॉब्लम के मरीज हैं, जिनकी रीढ़ की हड्डी के मनकों में जहाँ जो भी इनकी स्पाइनल कोड खराब है, इस गवाही को विश्वास से अपने जीवन में लो। आप भी गवाही से आओगे। मैंने कहा आप भी गवाही से आओगे। अगर इसको परमेश्वर चंगा कर सकता है तो वो आपको भी कर सकता है। मैंने कहा अगर इस भाई को वो अच्छा कर सकता है, वो पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं, वो सबका परमेश्वर है। वो किसी का पक्षपात है? जो सब उस पर भरोसा रखते और विश्वास रखते हैं, वो सबको शूता और सबको चंगा करता है। लहू दे वसीले ना नजात मिलदी, सच्ची खुशियां ते अपनी हजात मिलदी। सब आत्मा हलाते लहू दे वसीले ना नजात मिलदी, सच्ची खुशियां ते अपनी हयात मिलदी। लहू दे वसीले ना नजात मिलदी, सच्ची खुशियां ते अपनी हयात मिलदी। Okay, 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 God bless you.